अधिकता पुनर्वास लोकसभा के एकनाथ शिंदे गुट के उम्मीदवार नरेश मस्के की रैली में आप देख सकते हैं हर एक गुट के नेता यहाँ पर मौजूद होंगे, उनकी रैली को सफल करने की कोशिश कर रहे हैं। आइए बात करते हैं नरेश मस्के और साथी हर एक गुट के नेता से कि उनका क्या कहना है इस पूरे रैली के बारे में। क्या कहेंगे सर, मीरा भाईंदर का क्या रिस्पॉन्स आप थाना से है, थाना से लेके मीरा भाईंदर का क्या? भाई मैं थाना से नहीं हूँ, 15 साल से मीरा भाईंदर का विधायक हूँ और मीरा भाईंदर के लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया। आज नरेश मस्के साहब भी पहली बार मीरा भाईंदर के जनता से वोट मांग रहे हैं, क्योंकि पहली बार तो नया उम्मीदवार रहते हैं ठाणे लोकसभा क्षेत्र जो है मीरा भाईंदर ठाणे और वसे वो नवी मुंबई तक फैला हुआ है। तो हम यही चाहते हैं कि इस बार फिर एक बार नरेंद्र मोदी जी को हम पंतप्रधान बनाने जा रहे हैं, नरेश मस्के जी को हम यहाँ का सांसद बनाने जा रहे हैं। और जो माहौल आप देख रहे हो यहाँ पे, हमारे सभी लोक प्रतिनिधि उपस्थित है, सभी पार्टी के जो एनसीपी है और या मनसे है, हमारा आरपीआई है, भाजपा है, शिवसेना है, सभी लोग एकजुट काम कर रहे हैं। और नरेंद्र मोदी जी को अगर जिताना है तो नरेश मस्के को वोट देना है और इस माध्यम से हम लोग आज कोशिश कर रहे हैं। आप देख रहे हैं अभी कितना रिस्पॉन्स है, भारी से 4,12,000 वोटों से जीते थे पिछले बार हमारे उम्मीदवार, इस बार 4,12,000 का जो लीड है वो क्रॉस करके आगे और ज्यादा वोटों से जीत के आए। सुनिश्चित हो क्या कहेंगे, क्या लगता है आपको मीरा भाईंदर को आप पहले प्रतिनिधित्व करते हैं, यहाँ का रिस्पांस आपके हिसाब से क्या? बहुत ही सुंदर, आप देख रहे हैं लोगों में सभी पार्टी के लोगों ने आज बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है और बड़े उत्साह के साथ ये आज से उन्होंने कमर कस ली है कि हम मस्के जी को भारी मतों से विजयी करेंगे और मोदी जी के हाथ को मजबूत करेंगे। फिर एक बार आपको मोदी सरकार लाने में मीरा भाईंदर का भी योगदान जरूर रहेगा और मस्के जी जब रिजल्ट आएगा तब 5 लाख से ज्यादा मतों से विजयी होंगे। चर्चा का विषय था कि स्थानीय भाजपा के नरेंद्र मेहता इसमें दूर थे और आज एकदम नजदीक दिखाई दे रहे हैं। देखिए, देश की बात है, मोदी सरकार की बात है और जब मोदी सरकार की बात आती है तो सब एकत्रित है, पूरा देश संगठित है, एकत्रित है। और जो मोदी जी ने नारा दिया अब की बार 400 पार, उस सपने को पूरा करना है और नरेश मस्के जी यहाँ पे अधिकृत महायुति के उम्मीदवार है, उनको जिताना है। और जनता भी यही चाहती है कि मोदी सरकार फिर से आए और महायुति के उम्मीदवार को जिताया जाए। तो मैं अपनी ओर से इनको बधाई देता हूँ और आप देखिए कि जिस तरह से जन आधार है, रैली तो अपनी जगह पे भव्य है लेकिन अड़ोस पड़ोस आप चेहरे देखेंगे तो लोग भी उत्साहित है कि मोदी सरकार फिर से वापस आए। 146 विधानसभा में भाजपा के प्रमुख मेरे साथ में, क्या लगता है उनको 146 का? देखिए, आप देख सकते हैं कि आज महायुति की रैली है और हमारे ठाणे लोकसभा के उम्मीदवार नरेश मस्के जी आज जिस तरीके से जनता के अंदर उत्साह है, जोश है और उनका स्वागत किया जा रहा है, ये बताता है कि इस बार जो ठाणे लोकसभा का चुनाव का जो रिजल्ट होगा वो पिछले बार का जो रिजल्ट है उससे भी बड़ा होगा। रिकॉर्ड ब्रेकिंग नतीजे आएंगे, जनता और कार्यकर्ताओं के अंदर बहुत ज़्यादा उत्साह है, बहुत ज़्यादा जोश है और नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए जनता इस बार अपनी पूरी जान लगा देगी और मोदी जी पुनः तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे और यहाँ से नरेश मस्के जी भारी वोटों के साथ में दिल्ली जाएंगे। आरपीआई के यहाँ के स्थानीय नेता मेरे साथ में हैं शैलेकर जी, उनको क्या कहना है, मानते हैं? मोदी जी को लाना है क्योंकि ये कांग्रेस वाले 2 बार संविधान बदलने की कोशिश कर रहे हैं और संविधान मजबूत करने के लिए मोदी जी को चुन के लाना है और उनके आगे बढ़ने के लिए हमारे नरेश मस्के जी को भारी मतों से मीरा भाईंदर से चुना कराना है। क्या कहेंगे सर, नई मुंबई से लेके मीरा भाईंदर उत्तन तक का क्या लग रहा है आपको रिस्पांस? देखो, ये जो रिस्पांस है ये यहाँ के विधायक प्रतापजी सरनाईक उसे मजबूत करेंगे, गीता जैन और मेहता साहब, नरेंद्र मेहता साहब और उनके जो कार्यकर्ते दिन रात चलेकर है और मनसे के पदाधिकारी है, ये दिन रात जो काम करते हैं वो ये रिजल्ट है। इस वक्त शिवसेना एकनाथ शिंदे के विधानसभा 146 के विधानसभा प्रमुख हमारे साथ में विक्रम प्रताप सिंह है, उनको क्या लगता है, क्या कहेंगे? ऐतिहासिक जन समर्थन है
इतनी अपेक्षा हम लोगों को थी उससे कई गुना ज़्यादा। सुबह से हजारों व्यापारी, हजारों सामाजिक संस्थाएं, समाजसेवी आज जो हमारे उम्मीदवार को जनसमर्थन दे रहे, अपना आशीर्वाद दे रहे। जनता रोड पे उमड़ पड़ी है मीरा भाईंदर शहर की हमारे नरेंद्र जी मस्के को समर्थन देने के लिए, नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद देने के लिए, हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब को आशीर्वाद देने के लिए, सभी जाति, सभी धर्म, सभी प्रांत के लोग। देखिए मुस्लिम बांधव भी यहाँ पे हमारे रैली में बड़े पैमाने पे शामिल है, कैथोलिक भाई भी शामिल है, सभी लोगों का समर्थन है। तो कहीं ना कहीं जो है हम लोगों का जो हमारे उम्मीदवार पे, हमारे नेताओं पे जो विश्वास है हमारे शहर का, वो कहीं ना कहीं दिख रहा है। आप ही का पार्टी का उम्मीदवार मीरा भाईंदर से लेकर थाना और नई मुंबई तक। देखिए हमारे आमदार प्रताप सर नायक ने यहाँ पर मीरा भाईंदर विकास के लिए बहुत सारा निधि लाया और वो सब निधि के काम यहाँ पर चालू है, तो ये सारे मीरा भाईंदर शहरवासी को पता है। तो उन्हीं का काम का फायदा हमारे लोकप्रिय खासदार जो उम्मीदवार है उनको मिलेगा, और ये सीट जो है हम भारी वोटों से जीतेंगे। ऐसे ये जो माहौल दिख रहा है ऐसे लग रहा है। जहां अटकलें लगाई जा रही थी कि इस रैली में या नरेश मस्के को भाजपा के स्थानीय नेता नरेंद्र मेहता का समर्थन नहीं है, वो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में गायब थे, वहीं पर आज आप देख सकते हैं सुबह से वो नरेश मस्के के साथ जगह जगह, नगर नगर, डगर डगर मीरा भाईंदर शहर में घूम रहे हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को जिताने के लिए नरेश मस्के को जिताना जरूरी है। और वहीं पर आप देख सकते हैं प्रताप सरनाइक की ये कड़ी मेहनत है जो इस तरीके से सारे नेता एक प्लेटफॉर्म पर यहाँ पे मौजूद है। आपको बता दें कि उनका हर जगह जगह भी हम लोग खड़े हैं, नया नगर के नुक्कड़ पे जो कि शांति नगर और नया नगर को है, और जन समर्थन आप यहाँ देख सकते हैं, सभी समाज के सभी दल के नेता मौजूद है। जहाँ भाजपा गायब थी, मनसे गायब थी, आज वो यहाँ पर सब मौजूद है। अब देखना यह है जो जन समर्थन उन्हें मिल रहा है, क्या ये वाकई में वोटिंग में तब्दील होकर के राजन विचारे को हरा पाएंगे, या हर बार लकी रहने वाले राजन विचारे मात दे पाएंगे, ये तो आने वाला वक्त है। इसी तरीके की खबरों के लिए मेरे और एकता पोद्दार के साथ बने रहे, देखते रहे सिटी न्यूज़ मुंबई।